ठीक है। आज का जो उद्देश्य है, हम लोग गिरोह बंधन समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है, जिसके तहत ये सर्किल मोहम्मदाबाद के और हमारे अफसर्स और प्रेस के सभी हमारे साथी और अधिकारी आए हैं, सबका हम यथेष्ट अभिवादन और सम्मान करते हैं। आज जहां जिस परिसर में हम लोग इकट्ठा हैं, ये माफिया मुख्तार अंसारी जो एक इंटर स्टेट गैंग जो सूचीबद्ध है 191 के नाम से, इन्हीं के भाई श्री अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी, इनके द्वारा अवैध ढंग से अचल बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है। जिस परिसर में हम खड़े हैं, इस संपत्ति का जो विवरण है, ये है ग्राम माचा। संपत्ति का जो अराजी संख्या है 34, रकवा 1.37 हेक्टेयर। अब इस परिसर की देखिए बाउंड्री वाल है, टीन सेट लगे हुए हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं और मुर्गी पालन और दो मंजिला भवन है। इसकी कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है और सरहद पर देखेंगे तो मेरे दाहिने हाथ और मेरे समक्ष पिलर्स लगे हुए हैं। ये पूरे रकवा इस भवन को, दो मंजिला भवन को लेकर के 1.37 हेक्टेयर है। इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जो जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था, उसके क्रम में हमें ये आदेश प्राप्त हुआ है। उनका आदेश है 5 अगस्त का। अगली जो संपत्ति है, जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो दूसरी इनकी संपत्ति है। इस संपत्ति का जो विवरण है, ये दूसरा अराजी है 53, रकवा 1.724 हेक्टेयर, जो आगे चल करके सड़क पर मुड़ करके बाएं तरफ है। इसके बाद वहां हम लोग चलेंगे। फिर एक और अचल भू संपत्ति है, जिसका रकवा अराजी संख्या 54, रकवा 2.9 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल कीमत इसकी 3,16,00,000 है और सभी पूरी को हम जोड़ लेंगे तो 12,35,00,000 रुपए है। ये सभी संपत्तियां अवैध तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के भाई द्वारा ये बेनामी अचल 2017 में बनाई गई है। पहली जो संपत्ति जहां पर हम लोग खड़े हैं, इनकी पत्नी फरहत अंसारी के नाम ये भू संपत्ति है। फिर इसी को दान अभिलेख तैयार किया गया है और इनकी 3 बेटियां हैं। इन्हीं 3 बेटियों को ये स्थानांतरित किया गया है। तो आज का मकसद यही है कि जो अवैधानिक गुंडागर्दी और डरा धमका करके जो संपत्तियां बनाई गई हैं, जिसका इनके पास कोई, इन बेटियों के पास, पत्नी के पास कोई स्रोत नहीं है, इसी के क्रम में ये कार्रवाई के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। तो यही आज का मुख्य ध्येय है। बस आज का क्रमबद्ध पहले यहाँ, फिर अगली जो 53, फिर 54, वहां पर चलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनो, श्रीमान जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के अफजाल अंसारी पुत्र सुबहानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने अपनी पुत्रियों नुसरत अंसारी मारिया अंसारी व नूरिया अंसारी के नाम मौजा माचा परगना व तहसील मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में आराजी संख्या 53 रकबा 1724 क्रय की गई है। उक्त बेनामी उक्त अचल भू संपत्ति को कुर किया जाता है। सुनो 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 श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के अफजाल अंसारी पुत्र सुबहानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने अपनी पुत्रियों नुसरत अंसारी मारिया अंसारी व नूरिया अंसारी के नाम मौजा माचा परगना व तहसील मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में आराजी संख्या 53 रकबा 1.724 क्रय की गई है। उक्त संपत्ति दिनांक 19/8/2022 को कुर किया गया है। देखिए अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। विगत 50 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन लोगों की कुर्क की गई है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की जो उनके पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी वो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। इसमें कुल 3 प्रॉपर्टीज है ग्राम माछा में और इन 3 प्रॉपर्टीज की जो रकबा है लैंड प्रॉपर्टीज है कुछ इसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है कि जो प्रॉपर्टीज है लगभग 1.37 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है एक 2.9 हेक्टेयर की है और एक 1.724 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके की जो कार्रवाई है अन्य इनके गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ जारी है करी जा रही है। अब तक कुल इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ये करते हैं काउंट करते हैं तो 43 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति का जब्तीकरण करा दिया गया है। तो सब 3 लैंड जो सीज किए गए हैं इसमें एक में कंस्ट्रक्शन है कि ये फार्म हाउस जैसा कुछ देखिए फार्म हाउस इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है 2-3 मंजिला ये फार्म हाउस है कुछ व्हीकल्स भी इसमें रखी हुई है और इसका बाउंड्री वॉल है प्रॉपर तरीके की इसको पूरी संपत्ति को जो है वो कुर्क किया गया। दिन से ये कार्रवाई जो है वो शुरू है लगातार बहुत सारे माफियाओं की अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी की कुर्की जो है वो कराई गई है। अब तक पिछले 45 दिन में 31 करोड़ रुपए की संपत्ति को नकुर किया गया है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई है इस गैंग के मेंबर है उनके नाम पे उनके पत्नी और उनकी बेटियों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने अवैध तरीके से रखी हुई थी उन प्रॉपर्टीज़ को आज कुर्क ने किया जाता है। टोटल जो कीमत है इन प्रॉपर्टीज़ की 12,30,00,000 रुपए की आंकी गई है। इससे कुर्क की कार्रवाई की जा रही है कोर्ट के आदेश के अनुसार की जा रही है किसी प्रशासन के आदेश से की जा रही है प्रशासन के आदेश के अनुसार कुर्की का एक ही का ये होता है प्रोसेस होता है।